हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कुकिंग विद आस्था चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने पंजाबी पिन्नी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पिन्नी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी आटा ले रखा है, पीसी हुई चीनी ले रखा है, घी ले लेना है और साथ ही ड्राई फ्रूट्स का हम इस्तेमाल करेंगे और इलायची हम लेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमें एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे ताकि हम जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर सकें। घी जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर बादाम ऐड कर रहे हैं और किशमिश ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसके अंदर नारियल भी ऐड कर सकते हैं, नारियल को घिस करके, और भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास और भी ड्राई फ्रूट्स हों और नारियल को घिस करके भी आप उसको इस लड्डू के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 से 2 सेकंड के लिए हमने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से सेक लिया है। अब हम इसको घी से निकाल देंगे। अब हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। 1 कटोरी घी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। जैसे ही घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, हम इसके अंदर आटा जो है वो ऐड कर देंगे। गरम घी के अंदर हमने 1 कटोरी आटा ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे धीमी आंच पे। दोस्तों, हमें इसे अच्छे से भूनना है। हाई फ्लेम पे कभी भी ना भूने। लो फ्लेम पे भूनते हुए दोस्तों लगभग आपको 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है, क्योंकि हम बहुत ही लो फ्लेम पे इसको भून रहे हैं, तो इसलिए इसमें टाइम जो है थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। जब इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो जाएगा और इसके अंदर घी की जो है खुशबू बहुत ही अच्छे से आने लग जाएगी, हमें तब तक इसको अच्छे से लो फ्लेम पे भूनना है। अब हम इसमें इलायची ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसके अंदर इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप 4 से 5 इलायची ले लें और उसको अच्छे से कूट करके इसके अंदर ऐड कर दें। इससे क्या होगा, इलायची का जो फ्लेवर है वो लड्डू के अंदर बहुत ही बढ़िया आएगा। इसको हमें इसी तरीके से लो फ्लेम पे भूनते रहना है। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है, तो कुछ देर हम इसको और भूनेंगे। दोस्तों, आप चाहे तो पिन्नी के अंदर ड्राई फ्रूट्स जो है वो नहीं भी ऐड करेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो भी आप बिना ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हुए भी पिन्नी जो है वो आसानी से बना सकते हैं। ये वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और सर्दी के मौसम में इसको आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसको बनाना भी बहुत आसान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लो फ्लेम पे इसे बहुत देर तक अच्छे से भूना है। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं। तो जो बादाम थे उसको मैंने बारीक बारीक काट लिए ताकि जब हम लड्डू बनाएं तो ये आसानी से इसके अंदर लड्डू जो है हम बना सके। तो जो भी आपके पास कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हों तो उनको आप बारीक काट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 से 2 सेकंड अभी हम इसे और लो फ्लेम पे इसी तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम एक प्लेट के में निकाल लेंगे। तो हमने
इसे प्लेट में निकाल दिया है। अब हम इसके अंदर पीसी हुई चीनी को ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक कटोरी मेरे पास पीसी हुई चीनी है, तो मैं पूरी चीनी बिल्कुल नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। मैं इसमें से थोड़ी सी चीनी ही ऐड कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आधा कटोरी के करीब, आधी कटोरी से भी आप कह सकते हैं कि मैंने कम चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इतना मीठा जो है वो काफ़ी है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्म है और इसे छूना बहुत ही मुश्किल है, तो इसीलिए मैं इसे बर्तन की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि ये अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। कुछ देर में जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम पीसी हुई चीनी को इसके अंदर। अभी भी बहुत ज़्यादा ये गर्म है, इसे मैं हल्के हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। इसे छूना दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमें जो लड्डू बनाने हैं वो तभी बनेंगे बहुत अच्छे से जब ये गर्म होगा। तो आप लड्डू को तभी बनाएं जब ये गर्म हो। तो अभी इसको छूना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म है, फिर भी हमने थोड़ा सा इसे मिक्स कर लिया है। तो कुछ देर के लिए मैंने इसको थोड़ी देर छोड़ दिया था, तो अभी ये गर्म तो है लेकिन मैं इसको अच्छे से मिक्स कर सकती हूँ। तो दोस्तों अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने हाथों से जब इसे मिक्स किया है तो कितने बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो जब ये गर्म होंगे तभी आपको लड्डू बनाने हैं पूरे तरीके से। आप इसको ठंडा बिल्कुल भी ना करें, अगर आप ठंडा कर देंगे तो लड्डू जो है बहुत अच्छे से नहीं बन पाएंगे। पीसी हुई चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसको हाथ में लेते हुए इसके हम लड्डू जो है वो बना लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लड्डू बना रहे हैं। ये दोस्तों अभी भी काफ़ी गर्म है, लेकिन इतना तो गर्म है कि हम इसको हाथ में इसको इस तरीके से लेकर के हम इसके लड्डू जो है वो बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको एक एक करके सारे लड्डू जो है बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप लड्डू बनाते होंगे पीनी के, तो लड्डू के ऊपर हाथ के या उंगलियों के निशान आपको नज़र आते होंगे। तो आपको करना ये है कि लड्डू को जब आप बना लें तो उसके बाद हाथों में लेकर के इसको गोल गोल घुमा लें अपने हथेली के अंदर। इससे क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर घी होने की वजह से बहुत ही अच्छे से लड्डू जो है वो घूम जाते हैं और इसके ऊपर जो उंगलियों के निशान होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो पहले आपको उंगलियों की सहायता से लड्डू को अच्छे से बाइंड कर लेना है और फिर हाथ की सहायता से इसको गोल गोल हल्के से घुमाना है। इससे क्या होगा कि जो उंगलियों के निशान होंगे वो पूरे गायब हो जाएंगे और ये बहुत ही नीट एंड क्लीन लड्डू जो है आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम उंगलियों की सहायता से लड्डू को अच्छे से बांध रहे हैं और अब हम हाथ की सहायता से हाथों के ऊपर इसको हम हल्का सा घुमा रहे हैं। इससे क्या होगा कि लड्डू जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन जो है बन जाएगा। इसी तरीके से हमने सारे लड्डुओं को इसी तरीके से हाथों में रख करके हल्का सा घुमा दिया है और ये बहुत ही नीट एंड क्लीन लड्डू जो है वो हमने बना लिए हैं। तो दोस्तों आज की जो पिन्नी है वो बन करके तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी पिन्नी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन में आपको जानकारी मिलती रहे। आप चाहे तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया दोस्तों।